तो गैस हर एक एथलीट का ड्रीम होता है कि वो एक अच्छी और परफेक्ट फ्रंट फ्लिप सीखे। मैं दिखाता हूँ कैसे। सीखना है तो बिल्कुल आप अभी सही वीडियो पे आए हो, ठीक है, सही वीडियो पे क्लिक किए हो। तो बिल्कुल यहाँ से हम फ्रंट फ्लिप का सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं जो कि डायल वन से होने वाला है और स्टेप बाय स्टेप करने वाला है। ठीक है कि हम एक वीडियो में पूरा कवर कर दें ऐसा नहीं, आपको हम टाइम देंगे कि हाँ एक दो एक्सरसाइज तीन एक्सरसाइज देंगे और ये चीज आपको कंप्लीट करना है, फिर हमारा लेवल टू आएगा। तो आज लेवल वन का होने वाला है। और इससे पहले मैं कुछ बात बता दूं कि मैं एक डाला था यूट्यूब में, जैसे आप रिसेंट वीडियो देखोगे लास्ट का वीडियो, तो उसमें मैंने आपको ही एक मतलब चॉइस दिया था कि मैं सबसे पहले फ्रंट हैंड स्प्रिंग बनाऊं या फ्रंट फ्लिप। तो उसमें सबसे ज्यादा कमेंट है फ्रंट फ्लिप में आया था, ठीक है, फ्रंट हैंड स्प्रिंग थोड़ा कम आया था, तो इसलिए हम फ्रंट फ्लिप बना रहे हैं। ठीक है, तो ये पब्लिक डिमांड भी है बहुत ज्यादा और सच में फ्रंट फ्लिप बहुत ही बेस्ट स्किल है। अगर आपको पाइक समरसॉल्ट करना है, फॉरवर्ड स्ट्रेट बॉडी करना है, या अगर जिमनास्टिक का कोई भी बहुत ही अच्छा मूवमेंट करना है जो एडवांस मूवमेंट करना है, तो बहुत सारी चीज में काम आता है। आपके पैरेलल बार्स में आते हैं, ठीक है, हाई बार में आते हैं, वॉल्टिंग हॉर्स में आते हैं, फ्लोर में तो आता ही है, तो बहुत सारे चीज में ये आता है। आपके पार्कोर और डिफरेंट डिफरेंट जो एक्टिविटीज है, डिफरेंट डिफरेंट स्पोर्ट्स है, हर कोई करता है। तो ऐसा अगर आपको भी सीखना है तो बिल्कुल आपसे स्टार्ट करते हैं, ठीक है गाइस। और मैं एक और बात बताना चाहता हूँ, मेरा कोई भी वीडियोस अगर आप देखते हो और उसका फॉलो करते हो एक्सरसाइजेस, तो उसमें आपको मैं एक ही चीज बताता हूँ, आप कोई भी एक्सरसाइज करने से पहले फुल बॉडी वार्म अप जरूर कर लो। तो फुल बॉडी वार्म अप के लिए मैंने पहले वीडियो बनाया हुआ है कि ये आप करो और इंजरी आपको ना हो, तो इसलिए फुल बॉडी वार्म अप करना है, उसके बाद स्किल्स करना है, ठीक है। तो क्या फ्रंट फ्लिप दिखाता हूँ आपको सबसे पहले। उसमें आप नोटिस करना, इसमें दो चीज सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट, ठीक है, अगर दो चीज आपका स्ट्रांग है और अच्छा है तो आपको कभी इंजरी नहीं हुआ, ठीक। तो एक है जो फॉरवर्ड जब हम लोग जंप करते हैं, ठीक है, सबसे फर्स्ट जो मूवमेंट होता है वो जंप से होता है, ठीक है, जंप आपका अच्छा होना चाहिए। और एक एंड मूवमेंट जो कि लैंडिंग, ठीक है, लैंडिंग आपका स्ट्रांग होना चाहिए, लेग स्ट्रांग होना चाहिए, ठीक है। अगर मैं लैंडिंग करता हूँ, फ्रंट फ्लिप किया और लैंडिंग किया, ठीक है, अगर मैं पैर स्ट्रांग नहीं है तो वही है कि पैर में इंजरी होने का बहुत चांस होता है, या तो नीज चले जाते हैं, ठीक है, नीज सीधा लॉक हो जाता है अंदर की तरफ, है ना, तो यहाँ पे मतलब कई लोग का तो पैर टूटा भी है और कई लोग का एंकल है, ये सब गया, ठीक है। तो मेरा यही है कि मैं बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करता हूँ। तो हम लोग क्या करेंगे कि ये दोनों चीज़ पहले स्ट्रॉन्ग कर लेंगे, ताकि आपका स्टार्टिंग जंप अच्छा और जब लैंडिंग के टाइम है उसमें भी आपका लेग स्ट्रॉन्ग रहे। पहले मैं आपको एक दिखाता हूँ फ्रंट फ्लिप। ठीक है, तो आपने देखा ये एकदम हार्ड सरफेस है, बहुत ज़्यादा हार्ड है ये सरफेस, ठीक है, फिर भी मेरा जंप अच्छा था और स्मूथ रोटेशन था और देन लैंडिंग अच्छा था, ठीक है। अगर कोई जो बिगनर होगा ऐसे सरफेस पे सीखेगा, इवन कोई ग्रास में भी सीखेगा, ठीक है, उसका इतना अच्छा जंप नहीं आएगा और इतना अच्छा लैंडिंग भी नहीं आएगा। तो यही चीज़ है। तो आपको मैं अब बताऊंगा कि लेग के स्ट्रेंथ कैसे बढ़ाना है। गाइस अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है, ठीक है, अगर आपको पसंद आता है तो बिल्कुल ये वीडियो लाइक कर सकते हो आप। अगर आपको लग रहा है कि इससे कुछ हेल्प मिलेगा अभी इतना देख के, ठीक है, तो बिल्कुल आप लाइक कर दो। और अगर आपको ऐसे वीडियो और भी स्किल्स के सीरीज चाहिए, ठीक है, जैसे हमने बैक हैंड स्प्रिंग सीरीज तो पहले निकाला हुआ है, तो ये चीज़ आप देख सकते हो। और आज फ्रंट फ्लिप का स्टार्ट हो रहा है, ठीक है, और अगर ऐसे सीरीज आपको कंटिन्यू मिलता रहे ऐसा आप सोचते हो, ठीक है, तो बिल्कुल सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलना, ठीक है। तो गाइस सबसे फर्स्ट एक्सरसाइज है आपका जंप्स, ठीक है, उससे हमारा पैर स्ट्रांग होगा और आपका जो मतलब पूरे मसल्स हैं एक्टिव होंगे लोअर बॉडी के, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं, तो सबसे फर्स्ट है रोप से करना है, ठीक है, आप सभी किए होंगे, नहीं किए हो तो आज स्टार्ट करते हैं, ठीक है। और इसमें आपके पूरे टोस से लेके काफ मसल्स, पूरे थाइज, नीज, पूरे सब स्ट्रांग होंगे, ठीक है, और आपका वेट भी, जो अगर किसी का वेट बढ़ा होगा तो वो भी है लूज होगा, ठीक है, तो बहुत अच्छा कार्डियो एक्सरसाइज है। तो स्टार्ट करते हैं। रोप करोगे जब भी तो आपको टोस से जंप करना है, ठीक है, ये जंप करने, ठीक है, ये एक्टिव जंप करना है। और इन केस आपके पास अगर रोप नहीं है, ठीक है, तो आप हाथ का मूवमेंट भी कर सकते हो, बिल्कुल ये चीज हो गया, ठीक है, ऐसा। लेकिन रोप रहने से एक साइकोलॉजी बहुत ही अच्छा रिएक्ट करता है और बाकी आपके आर्म्स के लिए भी बहुत अच्छा होता है, क्योंकि रोप में वेट होता है, ठीक है, तो जब आप रोटेट कर रहे हो अपर बॉडी भी अच्छा वर्क करता है, वेटेड रहता है इसलिए। तो गैस ये करना है आपको, ताकि आपका जो स्मॉल स्मॉल जंप है, ठीक है, यही वाला जंप है जब हम दौड़ के जाते हैं ना, तो यही
ये टैप लेते हैं ठीक है, और यहीं पे अपन ये जंप कर रहे हैं ठीक है। तो ये बहुत अच्छा है कि आपका टोस एंकल बहुत अच्छा स्ट्रॉन्ग कर देगा ठीक है। तो ये है अब नेक्स्ट एक्सरसाइज जो है ये मैं बताता हूँ आपको। अब स्टेप टू में आपका क्या ये मैं बताता हूँ। सबसे पहले हमने रोप जंप किया, फिर उसके बाद अब करने वाले हम हाई जंप्स ठीक है, वो बहुत जरूरी है, वो करके दिखाता हूँ फिर आपको बताऊंगा। तो गैस आप सबसे पहले ये चीज देखो कि मैं जब जंप कर रहा था ठीक, तो मैं टोस बिल्कुल टोस से जंप कर रहा था ठीक है। उससे बार बार मैं आपको पहले भी बताया, आपको हर बार जब भी आप फ्लोर में जंप कर रहे हो टोस से करो, आप हिल मत लगाओ कभी भी, इसका साइंस मैं आपको आगे बताऊंगा ठीक है। तो आप बिल्कुल टोस से जंप करना है, और जब भी आप जंप करो पूरा आर्म स्विंग ऊपर की तरफ लेना है ठीक है। जब ऊपर लोगे आपका पैर वैर लूज नहीं होना चाहिए, पैर बिल्कुल टाइट होना चाहिए ठीक है। ये जंप कंटिन्यू करना बहुत ही इंपॉर्टेंट है ताकि आपका मूवमेंट क्विक हो। जब भी आप रन करो जैसे इसको पंच करो आपको मूवमेंट क्विक होना चाहिए। तो ये बार बार जब आप रेपिटेशन तुरंत जो हाई जंप करोगे एक्टिवेट करके ठीक, मतलब एकदम एक्टिवली करोगे तो आपका वो मूवमेंट आना चालू हो जाएगा। तो आपको ये चीज़ करना है। तो गैस मैं आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ बताने वाला हूँ जो कि फ्रंट फ्लिप के बारे में ठीक है। फ्रंट फ्लिप बिल्कुल बहुत ईजी दिखता है, बहुत स्मूथ दिखता है, जैसे आपने मेरा देखा होगा ठीक है। तो ये जितना ईजी दिखता है उतना टफ भी है ठीक है, उतना रिस्की भी है। अगर आप ये चीज़ है कहीं ग्राउंड में करते हो और बिल्कुल विदाउट बेसिक विदाउट टेक्निक विदाउट सपोर्ट करते हो ठीक है, तो आपको इंजरी होने के चांसेस भी, और कैसे इंजरी होता है मैं बिल्कुल आपको एक चीज़ बताता हूँ, डरा नहीं रहा हूँ ठीक है, लेकिन रियलिटी फेस करा रहा हूँ। अगर आप इसको लाइटली लेके एकदम ऐसे ही करते हो और कभी इंजर्ड हो गए तो बहुत ही आपको मुश्किल हो जाएगा, घर वाले भी परेशान हो जाएंगे ठीक है। तो मेरे जो अपने ही दोस्त लोग थे, कुछ दोस्त हैं फ्रंट फ्लिप में, ऐसा भी है कि उनका नेक भी यहाँ से स्पाइन भी गया ठीक है, स्पाइन भी ब्रेक हो चुका है ठीक है। तो ऐसा चीज़ होता है फ्रंट फ्लिप से ठीक है, पूरा गर्दन गया है, पूरा बैकबोन यहाँ से पूरा ब्रेक हो चुका है ठीक है। और कई लोग तो कोमा में भी गए फ्रंट फ्लिप करके ठीक है, फ्रंट फ्लिप किए वो और अच्छे से उनका लैंडिंग नहीं हो पाया, आधे रोटेशन में छोड़ दिया उन लोग बॉडी और सीधा उनको इतना बड़ा इंजरी हो गया। तो मैं आपको डरा नहीं रहा हूँ, बिल्कुल आप कर सकते हो, लेकिन जैसा मैं बता रहा हूँ स्टेप बाय स्टेप अगर करोगे तो इंजरी बिल्कुल नहीं होगा, अगर मेरे साथ स्टेप बाय स्टेप कोऑपरेट करते हो। लेकिन आप सोचते हो कि यार ये क्या बता रहे हैं एकदम इतने, ये सब तो आता है स्टेप का, तो बिल्कुल बहुत कुछ दिक्कत भी हो सकता है आप लोग को। तो इसलिए मैं आपको हर चीज़ बेसिक और स्टेप छोटे छोटे स्टेप बताता हूँ। अब मेरा वीडियोस देखोगे तो बिल्कुल एकदम छोटे से डिटेलिंग में हम बात करते हैं ठीक है, जो कोई भी वीडियो में नहीं मिलता। तो मेरा ये डिटेलिंग इसलिए इंपॉर्टेंट लगता है मुझे ताकि आपको इंजरी ना हो, आपका बॉडी प्रिपरेशन पहले ही हो। अगर आप कहीं गिरते भी हो लेकिन आपका बॉडी इतना स्ट्रांग भी हो जाएगा कि आपको सब चीज़ बचने का टेक्निक भी आ जाएगा, और प्लस आप अगर गिरते हो तो आपको लगेगा भी नहीं ठीक है, क्योंकि आपका बॉडी इतना स्ट्रांग और फ्लेक्सिबल हो गया रहेगा। तो इसलिए हम सब चीज़ जो वीडियो जो मैं पिछला वीडियो जो भी बनाया हूँ तो वो सब चीज़ पूरा बेसिक के ऊपर ही है। तो आप पूरा वार्म अप स्ट्रेचिंग फ्लेक्सिबिलिटी हर चीज़ में बनाया हूँ ठीक है। तो ये चीज़ देखो, और बैक हैंड स्पिन का भी वीडियो देखना ठीक है, उसमें बहुत अच्छे अच्छे स्ट्रेचिंग्स है ठीक है, उसका लेवल 1 देखोगे तो उसमें भी बहुत अच्छा है। तो अब हम स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइजेस। तो गाइस अब हम करेंगे स्टेप 3 ठीक है। तो सबसे पहले मैं दिखाता हूँ इसमें क्या है, टक जंप्स ठीक है, कंटिन्यू देखो। गाइस जैसा कि आपने देखा मैंने टक जंप्स कितना कंटिन्यू किया, और जब भी मैं टक कर रहा था मेरा जो नी है ये चेस्ट के पास आ रहा है ठीक है। तो ये क्यों इंपॉर्टेंट है, जब भी आप जंप करोगे और फिर आपको तुरंत टक करना होता है ठीक है, टक करोगे और टक जितना क्लोज करोगे इतना आपका रोटेशन बहुत अच्छा होगा। अगर ऐसे टक पकड़ते हो तो आपका रोटेशन तो स्लो होगा ही होगा, और प्लस आप गिर भी जाओगे नीचे ठीक है। तो इसलिए टक जंप बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपको करना है, डेली प्रैक्टिस करो इसका जंप्स का ठीक है। और मैं इसमें कोई रेपिटेशन नहीं दूंगा आपको, बिल्कुल आप करो जब तक अच्छा नहीं होता। और टक जंप है या इससे कंटिन्यू होना चाहिए, कम से कम 10 तो होना चाहिए कंटिन्यू ठीक है, बिल्कुल एक्टिवेटेड और बिल्कुल भी स्टॉपेज नहीं होना चाहिए ठीक है। आपको टोस से जंप करना है तो जब तक आपका 10 कंटिन्यू बहुत ही स्मूथ और टक पूरा यहाँ तक नहीं आता चेस्ट तक, तब तक आप इसको ब्रेक नहीं करोगे ठीक है। तब तक आपको प्रैक्टिस करते रहना है, डेली प्रैक्टिस करो और रेपिटेशन अपने हिसाब से लो, लेकिन मुझे चाहिए टक जंप कंटिन्यूसली 10 लगातार, हाई जंप भी सेम वैसे ही ठीक है, 10 चाहिए मुझे ठीक है। अब आप कैसे प्रैक्टिस करो ये आपके ऊपर है। तो अब जब ये हो जाएगा आपका तो उसके साथ साथ आपको क्या प्रैक्टिस करना है ये मैं आपको दिखाता हूँ। मैं आपको एक और चीज़ बताना चाह रहा हूँ, जब भी आप ये जंप करो, जैसे मैं तो अभी हार्ड सरफेस पे कर रहा हूँ, आप हार्ड सरफेस पे मत करो, आप या तो कुछ मैट रख लो ठीक है, मैट रख लो। अगर मैट नहीं हो पाता इनकेस तो आप ग्रास में भी कर सकते हो ठीक है, रेत में करोगे उतना फायदा नहीं होगा क्योंकि रेत में आपका जंप धंसेगा, अपने को बाउंस चाहिए ठीक है, ऊपर की तरफ बाउंस चाहिए। तो आप ग्रास में कर सकते हो और गद्दे रख सकते हो ठीक है, हार्ड सरफेस में मत करना क्योंकि आपके नीज पे इफेक्ट पड़ेगा आगे चल के ठीक है। तो इसीलिए अभी मत करो, जब आप ग्राउंड से और फिर मैट से जब इम्प्रूव कर लोगे तो आप बिल्कुल थोड़ा थोड़ा स्किल्स
बाहर कर सकते हो, ठीक है। मैं प्रैक्टिस ग्राउंड में और मैट में करो, ठीक है। तो अब चलते हैं नेक्स्ट एक्सरसाइज में। सब एक्सरसाइज नंबर 4 में है, फ्रंट रोल। मैं दिखाता हूँ आपको कैसे करना है, ठीक है। गैस ये चीज इंपॉर्टेंट है, सबसे पहले जो फ्रंट फ्लिप किए थे जैसे कि वीडियो आपको प्ले दिख रहा होगा, ठीक है। तो सेम यही चीज है, जंप के बाद यही रोल करना है, ठीक है। फ्रंट रोल जो है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, अगर आपको नीचे रोल करना नहीं आएगा तो ऊपर आप कभी नहीं कर पाओगे, ठीक है। तो नीचे बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जैसे कि मैंने अभी दिखाया था, ठीक है। तो नीचे जब आप जितने बार करोगे आपको थोड़ा चक्कर आने लगेगा, ठीक है। स्टार्टिंग में थोड़ा सा ऐसा माइंड घूमेगा, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है। जब आपका माइंड घूम रहा है मतलब कि आपको पता नहीं है, रोटेशन आपके फेमिलियर नहीं है, ठीक है। तो यही चीज है, जब हम लोग भी स्टार्टिंग करते हैं बहुत ज्यादा चक्कर आता है, ठीक है। एकदम मतलब कि खड़े होते थे, एकदम घूमने लग जाते थे, क्योंकि हमारे माइंड को पता नहीं था कि ऐसा भी रोटेशन होता है, ठीक है। और यही सेम चीज फ्रंट फ्लिप में होता है, आप जब नीचे सीख जाओगे तो ऊपर भी सेम चीज ही करना है, ठीक है। तो यही अच्छा है कि आप सबसे पहले नीचे सीखो और ऊपर तो फिर आपसे इजी हो जाएगा। और कई लोग क्या करते हैं कि नीचे आता ही नहीं उनको और ऊपर घूमने की कोशिश करते हैं और इतने बार गिरते हैं, इंजर्ड होते हैं, और यही चीज इसलिए उनका जो प्रोग्रेशन हो जाता है वो 2-3 साल लग जाते हैं। अगर आप ये स्टेप बाय स्टेप करते हो बिल्कुल आप 3-4 महीने के अंदर बहुत अच्छा फ्रंट फ्लिप सीख सकते हो, अगर आप सेल्फ करते हो तो। और हेल्प के साथ करते हो तो और भी जल्दी हो जाएगा, तो मैं आपको दोनों बताऊंगा, ठीक है। अगर हेल्प के साथ करते हो तो आप 1.5-1 महीने में सीख सकते हो एकदम सेफ्टी के साथ, ठीक है। तो मैं आपको हेल्प के साथ और सेल्फ दोनों बताऊंगा। तो फ्रंट रोल एक बार और मैं दिखाता हूँ, ठीक है। आप टेक्निक देख लो, तो गैस मुझे लगता है ये फ्रंट रोल जो है फॉरवर्ड रोल है, ये बचपन में हर कोई गुलाटी मारा है, ठीक है, बेड में। तो बिल्कुल आप मुझे लगता है कि आप अपने आप सीख सकते हो और आता भी होगा आपको, बहुत लोग को आता होगा, ठीक है। तो इसलिए मैं इसमें प्रेशर नहीं दे रहा हूँ ज्यादा और ज्यादा कुछ बता नहीं रहा हूँ, लेकिन अगर आपको नहीं आता बिल्कुल कमेंट करो नीचे में, मैं आपको इसका फुल ट्यूटोरियल भी दे सकता हूँ, ठीक है, फ्रंट रोल का। तो ये चीज हम लोग कर लेंगे। और गैस इस वीडियो में हम इतना ही रखते हैं, और इस वीडियो में जितना भी प्रैक्टिस था ये बिल्कुल अच्छे से करो, फ्रंट रोल सीख जाओ जैसे मैंने बॉडी पोजीशन के साथ दिखाया, एकदम पॉज कर करके स्लो मोशन में कॉपी करो इसको, ठीक है। और ये चीज कर लो आप, चाहे गर्ल्स हो बॉयस हो बिल्कुल कर सकते हैं, हर कोई फ्रंट फ्लिप कर सकते हैं, लेकिन जो जो मैं बता रहा हूँ अगर ये चीज बिल्कुल कंप्लीट करते हो तो बिल्कुल आप बहुत ही अच्छा फ्रंट फ्लिप सीख सकते हो, ठीक है गैस। तो बिल्कुल अब यहाँ पे एंड करते हैं, अब नेक्स्ट वीडियो आपका आने वाला जल्दी जो लेवल 2 होगा, ठीक है। तो अब आपको ये वीडियो सच में अच्छा लगा तो बिल्कुल लाइक कर दो अभी, है ना, और सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी कर लो अभी फिर से। और अगर आपको ये लग रहा है कि हाँ यार जो आपके और भी फ्रेंड्स हैं फ्रंट फ्लिप सीखना चाहते हैं और ये फर्स्ट वीडियो आ चुका है, तो ये फर्स्ट वीडियो उनको भी शेयर कर सकते हो ताकि वो मिस ना हो जाए, ठीक है। तो गैस हेल्प करना बहुत अच्छा चीज़ है, जो मुझे लग रहा है मैं आपकी हेल्प कर रहा हूँ तो आप दूसरों की भी हेल्प करो, ठीक है। तो फ्रंट फ्लिप उनको शेयर करो, और गैस हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे, तब तक के लिए जय हिंद, स्टे फोकस।